हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति सभी बच्चों का मैजिकल मास शॉर्टट्रिक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी को राधे राधे, सभी को सलाम, सभी को सत श्री अकाल। आज बेहद शानदार एक शॉर्टट्रिक लेकर आपके सामने आया हूं, तो जल्दी जल्दी सभी लोग सुनेगा। बहुत ही शानदार शॉर्टट्रिक है। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन, और एक खास तरीके का मल्टीप्लीकेशन। तो आइए जानते हैं कि क्या मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन को, जिसमें अगर हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो किससे, एक ऐसे नंबर से जिसकी सारी की सारी डिजिट जो है वो 9 है, तो ऐसे नंबर को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा है, इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर हैविंग ऑल डिजिट 9। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या ले लो जो आपके मन में है, उस नंबर को आपको ले लेना है। और करना क्या है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके सारे के सारे अंक यानी कि सारे के सारे डिजिट जो है वो क्या हो, 9 हो। तो इसको बेटा मैंने दो भागों में बांटा है, और दोनों भागों को आपको समझना है कि जो दोनों के दोनों पार्ट्स है उसको हमें करना कैसे। तो पार्ट नंबर 1 समझ लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी नंबर लिया, जैसे यहाँ पर नंबर लिया गया 43, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 99 के साथ। तो जो दूसरा नंबर है उसके सारे की सारी डिजिट क्या है, 99 है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, तो सारी जगह आपको 999 नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन पार्ट नंबर 1 की खासियत क्या है वो आपको पहले समझना है। यहाँ पे आपको देखना है कि जो पहला वाला नंबर हमने लिया है ये कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है, और जो दूसरा वाला नंबर है ये भी कितना डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है। तो पार्ट नंबर 1 में एनी नंबर जो है वो भी 2 डिजिट का है, तो जो आपके पास 9 वाला नंबर है वो भी 2 डिजिट का है। और पार्ट नंबर 2 में हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों की जो नंबर ऑफ डिजिट है वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों को समझना है, यानी इसमें दो ही तरीके के मल्टीप्लीकेशन होंगे। तो ध्यान से समझिएगा करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको मिलेगा इसका एक नंबर कम करना है। तो 43 जैसे हमारे पास नंबर है, तो 43 से जब आप एक कम करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो आप कहेंगे सर 42 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 42 मिलेगी। बोलो इतनी बात कंफर्म, आप कहेंगे हाँ। अब देखिए, इस जो नंबर का पहला डिजिट है और जो इस नंबर का दूसरा डिजिट है, केवल आपको ये देखना है कि जो पहला डिजिट है वो 9 से कितना कम है और जो दूसरा डिजिट है वो 9 से कितना कम है। तो अब देखिए, जो पहला वाला डिजिट है वो 9 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 5 कम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और जो दूसरा वाला नंबर है वो कितना कम है, वो 7 कम है 9 से, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे 7। यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, यहाँ पर आप लिख लेंगे 7। तो देखिए, ये जो वैल्यू आपके पास आई 4257, ये हमारा इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। आइए देखते हैं जल्दी से दूसरा। देखिए, 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं पार्ट नंबर 1 पे, और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 84 लिखा है, तो 84 को हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर कम करना है। तो आप देखिए, जब आप एक नंबर कम करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 83 आएगी। कितनी आएगी, 83। अब जो ये 8 है, नीचे पहला नंबर है, वो 9 से कितना कम है, तो आपको पता है ये जो नंबर है वो 1 कम है। कितना कम है बेटा, 1 कम है। और जो दूसरा नंबर है अगर इसकी बात की जाए तो कितना कम है, ये 6 कम है। तो 8316 ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऐसे ही देखते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल को समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहा गया। तो देखिए, 787 है, जब आप इससे एक नंबर कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 786 आएगा। कितना आएगा, 786 आएगा। अब देखो, 79 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 2 कम है। 8 की अगर बात की जाए, 8 कितना कम है, तो आप देखो 8 कितना कम है, 1 कम है। अगर हम लोग बात करें 6 की, तो 6 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 6 जो है वो 9 से 3 कम है। तो 786213 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9731 ये नंबर हमें मिलेगा, ठीक है, 9731 मिलेगा जब आप इससे एक कम करोगे। अब हमें क्या करना है, आप देखो 9 कितना कम है, तो आपको पता है 0 कम है। कितना कम है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 की बात करें तो ये कितना कम है, 6 कम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। और अगर हम लोग 1 की बात करें तो ये कितना कम है, ये 8 कम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो बात कंफर्म हो गई। तो पार्ट नंबर 1 सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डाउट नहीं होना। एक बार फिर से समझ लीजिए करना क्या है, हमें केवल इतना सा काम करना है कि अगर हमें किसी भी ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है जिसकी सारी की सारी डिजिट 9 हो, उसमें अगर मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या का, तो करते क्या है, जो भी नंबर हमें दिया जाता है 9 डिजिट वाली संख्या के अलावा, उस नंबर से आप एक कम करते हो, और फिर उसके बाद जो नंबर आपके पास आता है उस नंबर को आप देखते हो कि उनकी जो प्रत्येक डिजिट है वो 9 से कितना कम है। आइए जानते हैं पार्ट नंबर 2।
तो पार्ट नंबर टू आ गया। देखिए इसमें भी वही है कि किसी भी नंबर को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी सारी की सारी डिजिट क्या होना है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है आपको बता चुका हूँ मैं पहले। देखिए यहाँ पर आपको ये टू डिजिट दिखाई दे रही होंगी जबकि यहाँ पे कितना है, थ्री डिजिट है। तो पहला काम आपको वही करना है, ये जो संख्या आपके पास यहाँ पर है इससे हमें एक कम करना है। तो जब इससे एक कम करोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42। अब आप देखो यहाँ पर तीन अंकों की संख्या है, यहाँ पर दो अंकों की संख्या है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ डिजिट का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट का जो डिफरेंस है वो एक है। अगर एक है तो एक बार 9 आपको लिखना है, और अगर दो डिफरेंस है तो दो बार 9 लिखना है, अगर तीन डिफरेंस है तो तीन बार 9 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको वही काम करना है। देखिए जो पहला वाला 4 है ये 9 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जो ये कम है वो 5 कम है, तो यहाँ पे 5 आ गया। और ये जो 2 है वो कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 7 कम है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, एक बार फिर से देखेगा, यहाँ पर 841 लिखा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक कम करोगे तो कितना आएगा, 840 आएगा। कितना आएगा बेटा, 840 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, चार डिजिट है, यहाँ पे कितना है, तीन। तो एक डिजिट का अंतर है, तो एक 9 आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से लिखना पड़ेगा। अब आप देखो 8 कितना कम है, तो आप देखेंगे 8 जो है वो 1 कम है। कितना कम है बेटा, 1 कम है। 4 जो आपके पास है वो 4 कितना कम है, तो ये 5 कम है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 0 की, तो 0 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 9 कम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला जानते हैं। यहाँ पे तीन डिजिट है, सबसे पहले तो इससे एक कम करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक कम करने पे क्या मिलेगा, 788 मिलेगा। क्या मिलेगा, 788। अब आप देखो यहाँ पे 5 अंकों की संख्या और यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 2 डिजिट। कितना आएगा, 2 डिजिट आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 बार 9 अपने आप से लिख लोगे, ठीक है। अब भाई पहला जो डिजिट है वो 9 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 2 कम है। दूसरा डिजिट कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 1 कम है। अगर हम तीसरे डिजिट की बात करें तो वो भी कितना कम है, वो भी 1 कम है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग को एक कम करना है, तो एक कम कर दिया, 9731 यहाँ पे हो गया। अब आप देखो यहाँ पे कितना डिजिट का नंबर, 3, और 36 डिजिट का नंबर है, जबकि यहाँ पे क्या 4 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का डिफरेंस आएगा। तो 9 कितनी बार लिखेंगे आप, 2 बार लिखेंगे। फिर 9 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 0 कम है। फिर 7 कितना कम है, तो ये 2 कम है। 3 कितना कम है, 6 कम है। 1 कितना कम है, 8 कम है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर। बोलो जल्दी से, समझ में आ गया सभी को, फिर से सुन लीजिएगा। करना क्या है, दो ही तरीके के नंबर होंगे, केवल आपको यही करना है कि अगर हमारे पास दोनों का डिजिट बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों का डिजिट बराबर नहीं है तो आपको नंबर ऑफ डिजिट का डिफरेंस लेना है, और जितना डिफरेंस आएगा उतनी बार 9 आपको अपने आप से लगाने हैं। बाकी सेम वही काम करना है जो आपने कहां पे किया था, पार्ट नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगली ट्रिक में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही साथ बताइएगा कि आपको जो ट्रिक है वो कैसी लगी। अगर आपको ट्रिक में मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली ट्रिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर बिजे एग्जामपुर।